वालों की लाइफ वास्तव में बहुत शानदार लाइफ हो। इतने दिन तो बच्चों पढ़ा रहे थे और खूब मतलब नेवी एयरफोर्स में भेज रहे थे, लेकिन आज वास्तव में अंदर जाके देखा है ना, वास्तव में बहुत शानदार है। प्लेट पे हमारी ट्रेन रुकी थी हमारे 9 नंबर पे, और 9 नंबर से यहाँ नीचे निकले हैं, और अब यहाँ से ऑटो आएगा, ऑटो किया हमने और ऑटो लेंगे और जाएंगे हमारे बाहर निकलने का रास्ता रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन से बाहर विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 3 दिन के सफ़र के बाद ऑब्वियसली हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। स्टेशन का मैं व्यू दिखा देती हूँ, पीछे बहुत सारे प्लान तो देने रेलवे स्टेशन। अपना शहर छोड़ के हम नए शहर में आए। सामान पीछे रखो, सामान को इसको भी आगे ले लो, गिर जाएगा ना पीछे से। आगे ले लो, आगे पीछे गिर जाएगा, बीच में आ जाएगा या बीच में। अब जाके थोड़ा सा अच्छा लगा, बाहर की आवाज आई है। देखो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे जीजू हमें लेने के लिए आ गए, सामान वगैरह पहले ही आ गए थे, बट अब ये जा रहते हैं। जीजू काई फ्लाइट वगैरह मार रहते हैं, जाए नेवी का फ्लाइट है ना, और ये देखो लेने के लिए सामान। चलो बटन को नहीं ये देखो, ये कौन है मम्मी, मम्मी बताओ। लो लो नीति की शक्ल दिखाओ, वेलकम करने के लिए जितने बच्चे मिले। अंदर आ जाओ तो आप तो अंदर बेकार। करिश्मा इन कॉर्नर आगे
ये देखो हम हैंड वॉश कर रहे हैं, घर पे पहुंच गए हैं, अभी नहा धो करेंगे, थोड़ा सा चाय पानी वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे अच्छे से। पूरे अभी सगा पूनम घुमाए गए आपको, बस आप देखते रहो। दीदी देखो चाय दे रही है सबको, सुबह सुबह का टाइम हो गया, पी लो आज। दीदी के दूध ज्यादा हो रखा लगा मेरे को, लग रहा नहाई धोई कर लिया हमने और गर्मा गर्म खाना बन गया। दीदी ने खाना बनाया, ये देखो ये क्या खाना खा रहे हैं, और मैं भी बस जस्ट खाना खाऊंगी, इनके साथ लगे हुए अकेले अकेले। ये देखो गुन्नू खा रही है खाना मेरे साथ, क्या खा रही है गुन्नू? दाल चूरमा, पराठे, सब्जी, सैलेड। ये देख सकूँ देख कैसे कर रही है। देखो फ्रेंड्स इवनिंग हो चुकी है, अभी बजे हुए हैं लगभग तीन, कितने बजे हुए? दो बजे हुए हैं, दो। हाँ, और हम जा रहे हैं अब घूमने। जीजू जहाँ लूटी करते ना सिख में, वहाँ लेके जा रहे हैं आज घुमाने के लिए सिख में। मम्मी तो यहाँ आके घूम रहे हैं आराम से, मम्मी हेलमेट लेके घूम रहे हैं। अभी देखना मम्मी बाइक पे बैठेगी हेलमेट लगा के। क्यों मम्मी कैसे लगा के? देखो जीजू भी थोड़ा सामान लेके आए यहाँ पे, आगे देना है जो सामान हम लेके आए थे किसी का। लाने के लिए क्योंकि हमका डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ जमा थे, और हम अपने आधार कार्ड वगैरह लेके आए हैं स्टेट में घूमने के लिए, ऐसे एंट्री नहीं होती। बहुत ही अच्छा लग रहा है हेलमेट लगा के। तो फ्रेंड्स देखो हम यहाँ पीछे हैं वहाँ गए थे घूमने के लिए, वहाँ अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो हम मोबाइल नहीं लेके गए, और भाई सोच गए थे आराम से वहाँ घूम के आए, बहुत सारी चीज़ वगैरह देखी है। अब बाहर आके मैंने आपको बताया, क्योंकि अंदर गए तब मैं तो नहीं बता पाई आपको। तो आज हम बुलेट पे बाइक पे निकले सर सवारी करने के लिए। जीजू आए हेलो करो। हाँ तो जीजू घुमा रहे हैं हमें, तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार देखी हमने सिख को करीब से, वरना मूवी वगैरह में देखा है। जिससे भी बोल रहे हैं नेवी वाले शानदार सल्यूट हमने नेवी को। और मम्मी को बताने, मम्मी कैसा लगा? मम्मी को कैसा लगा? मम्मी तो आज स्कूटी की वाला हेलमेट पहन के बैठी है। नेवी वालों की लाइफ वास्तव में बहुत शानदार लाइफ है, इतने दिन तो बच्चों पढ़ा रहे थे और खूब मतलब नेवी एयरफोर्स में भेज रहे थे, लेकिन आज वास्तव में अंदर जाके देखा है ना, वास्तव में बहुत शानदार है। अच्छा देखिए वापस आ रास्ते में यहाँ फिर से रुकी है, ये देखो दो क्या है डॉल्फिन मछली है क्या? कितना अच्छा व्यू है पीछे, देखो दो फिश है यहाँ फ्रूट बनाया हुआ है, और देखो यहाँ का मतलब फ्रूट का बगीचा गार्डन है, यहाँ फ्रूट लगे हुए हैं। ये क्या है? चिक्कू लगे हुए हैं, देखे लगे हुए फ्रूट लगे हुए, और ये देखो कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, चारों तरफ जंगल सा है। अरे आ जाओ ये देखो क्या रेसिंग कर रहे हैं, अरे आ जाओ। मामा मम्मी खाना खा रहे हैं, हम आ गए घूम के।